हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहित श्रीवास्तव एमएस वेलकम है गाइस। गाइस, इस सेशन में हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करेंगे और उसको याद करने की क्या ट्रिक्स होती है आपको हम समझाएंगे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहने वाला है आप लोगों के लिए, आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे गाइस, ठीक है ना। तो गाइस, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आपको समझाते हैं गाइस। पहले आइडियम लिखा हुआ है एड ड्रैगर्स ड्रॉन, तो इसका मतलब क्या होता है? टू हैव बेटर एनिमिटी, मतलब कट्टर दुश्मनी होना। तो ड्रैगर माने क्या होता है? खंजर। खंजर जब आप किसी को दिखाते हैं तो आपकी दुश्मनी ज़्यादा हो जाती है, तो इससे खंजर से आप इसे याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, लिखा हुआ एट वंस फिंगर एंड्स, तो कैसे इसको याद रखना है? देखो, फिंगर को जब आप क्या करते हो? एंड पर लाते हो, यानी कि चीज़ों को जब आप गिनते हो, गिनते गिनते क्या करते हो? एंड पर उसे लाते हो, तो इट मीन्स आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाती है, यानी कि पूर्ण नॉलेज हो जाती है। टू हैव कंप्लीट नॉलेज इज नोन एज एट वंस फिंगर एंड, तो फिंगर को याद रखिएगा, एंड पर जब आप लाते हैं तो क्या करते हैं? उंगलियों पर गिन लेते हैं अपना, तो इसका मीन्स हो जाता है टू हैव कम्प्लीट नॉलेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला आइडियम देखते हैं, लिखा हुआ है एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, कैसे इसको याद रखेंगे? देखो, विट्स माने क्या होता है? बुद्धिमान, है ना। जो ज़्यादा बुद्धिमान होता है वो जब पजल लगाता है क्या करता है? वो कन्फ्यूज हो जाता है ना। विट्स माने क्या होता है? बुद्धिमान होता है। जब कोई ज़्यादा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जब चीज़ों को ज़्यादा सोचता है तो क्या होता है? वो पजल्ड हो जाता है, तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा, या कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो विट्स यानी कि जो बुद्धिमान ज़्यादा व्यक्ति होता है, ठीक है ना, क्या करता है? वो ज़्यादा चीज़ों को जब सोचता है तो क्या होता है? पजल्ड हो जाता है, यानी कि कन्फ्यूज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, देखते हैं अगला कौन सा है। लिखा हुआ एट सिक्सेस एंड सेवन्स, तो गाइस इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, छः को कभी सात कर देना, कभी सात को छः कर देना, छः को कभी सात कर देना और कभी सात को छः कर देना, यानी कि कोई क्रम ही नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इन दिस ऑर्डर, यानी कि हमें छः लिखना था तो हमने क्या लिख दिया? सात। हमें सात लिखना था, हमने क्या लिख दिया? छः, यानी कि चीज़ों को हम क्रम में नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इन दिस ऑर्डर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला देखते हैं गाइस, लिखा हुआ एट द एलेवेंथ आवर, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए गाइस, आपको कोई टास्क जाएगा उसे 12 घंटे में पूरा करना है, आपको कोई टास्क जाएगा उसे 12 घंटे में पूरा करना है, और आपके पास कितने घंटे हो गए? 11th आवर हो गए, यानी कि 11 घंटे आपके पूरे हो चुके हैं। अब आपके पास कितना घंटा बचा है? एक घंटा बचा है, यानी कि 1 आवर बचा है, तो यानी कि ये आपका लास्ट मोमेंट है। कैसा है? कैसा आपका ये लास्ट मोमेंट है, यानी कि जो आपका एक घंटा है वो कैसा है? वो आपका लास्ट मोमेंट पर आप लोग आ गए हैं, तो आप ऐसे इसको 11th आवर को याद रखिएगा। तो गाइस, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। तो गाइस, आज के लिए मित्र रखते हैं।